एड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम वाल्मीकि बस्ती स्थित भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर परिसर में आए हैं, जहाँ पर गोगा जहर और वीर का जो है रथ जगह आज जागरण यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। दरबार सज चुका है, देख सकते हैं आप। विराजमान हैं बाबा गोरखनाथ जी, विराजमान हैं गोगा जहर वीर जी भी विराजमान हैं नीले घोड़े पर सवार, साथ ही भगवान भोलेनाथ माँ काल की काली देवी, साथ ही अन्य देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं गोगा जहर वीर जी महाराज, जिनका आज ये रथ जगह बसेरा वाल्मीकि बस्ती में आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं भंडारा भी आयोजित किया जा रहा है, लंगर चल चुका है, लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद ये रथ जगह ये बसेरा जो है आरंभ हो जाएगा। सारी व्यवस्था की गई है। मुख्य अतिथि के रूम में चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा, यहाँ पर पहुंचे उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज जी हमारे बीच पहुंचे। थोड़ा सा आचार संहिता का अभाव है, मैडम जी ने हमारे को आज इस शेड के नीचे प्रोग्राम हो रहा है, मैडम जी के कर्तव्यों द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया है। बाबा पीर का कुछ ही समय में रंगारंग प्रोग्राम होगा। आप सभी का यहाँ पर पहुंचने का स्वागत है। पत्रकार श्री सतपाल शर्मा जी, जो के शहर की हल्के की छोटे सिले, हम बाबा जी से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की दें और अपने शहर के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनमें उनका सहयोग करें। धन्यवाद। बाबा जी का गुणगान सुने, हमारे भी हमारे संगीतकार पहुंच चुके हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद। जितने बच्चे पंडाल में या बुजुर्ग भाई बाहर खड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी अंदर आ जाएं ताकि बाबा जी का गुणगान जल्द से जल्द यहाँ पहुँच सके। हेलो हेलो, जी मैडम जी क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर आपका आना हुआ है? सब जी जी
आज जहर गुरुद्वार गुरु जी के दरबार में पहुँचे हैं जी, थोड़ा ऊंचा। जैसे भी गुरु जी, मैं तो कहूँगी बाबा गोरखनाथ जी जो सबसे बड़े गुरुओं में गुरु रहे हैं जी, आज उनके यहाँ चरणों में हम लोग भी पहुँचे हैं। हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया जी। हमारे जो MC साहब हैं सढ़ोरा हल्के के जगदीश जी, उन्होंने यहाँ पर हमें बहुत आदर और सत्कार से बुला करके हमारे को मान और सम्मान दिया और गुरु महाराज जी के चरणों में और अपना जहर वीर जी के चरणों में आकर के, गुगा वीर जी के चरणों में आकर के हमने आशीर्वाद लिया और यही दुआ करते हैं कि जहर वीर जी का आशीर्वाद हमारे सिर पर ही बना रहे और हम लोग जो एक मन में इच्छा लेकर के चल रहे हैं समाज सेवा की, वो हम लोगों से हम और बढ़ चढ़ करके करने का सहयोग करेंगे। आशीर्वाद के साथ हम यहाँ पर जी। डॉक्टर साहब जानकारी दीजिए, ऐसे आयोजनों का समाज के सौहार्द में, एकता में बड़ा अच्छा असर रहता है, समाज में समरसता आती है इस प्रकार आयोजनों से, धार्मिक अनुष्ठान से क्या कुछ कहेंगे? ऐसे समाज में ऐसे आयोजन यदि किए जाते हैं तो समाज में समरसता आती है, एकता आती है और समाज में सद्भावना बनती है जी जी जी, और समानता आती है जी। तो ऐसे आयोजनों से एक तो समाज धार्मिक से जुड़ा रहता है और गलत कामों से दूर रहते हैं। जहाँ तक जहर वीर बाबा जी के बारे में, यानी कि इनके बारे में जाना जाता है, इन्होंने हमेशा समाज के बारे में ऊपर उठाने के लिए कार्य किया है और समाज को, समाज की बुराइयों को दूर किया है। यदि इनसे हम प्रेरणा लें और इनसे प्रेरणा लेकर के हम समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आज हमने गुरु महाराज जी के चरणों में और जहर वीर बाबा जी के चरणों में आज हमने मत्था टेका है। बाबा साहब और गुरु महाराज और जहर वीर जी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब तंदुरुस्त रहे और भारत देश आगे तरक्की करें। चलिए, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।